और मैं लखनऊ यूपी से रहने वाली हूँ, बुद्धेश्वर पिंक सिटी मोहन रोड। मैंने इस बार का नीट 2024 में एग्ज़ाम दिया था और मेरे साथ इस बार बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। ये मेरा एडमिट कार्ड है। नीट का रिज़ल्ट जिस दिन आया 4 जून को, उस दिन मेरा रिज़ल्ट नहीं खुल रहा था। मेरे बार बार स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था कि योर रिज़ल्ट इज़ नॉट जनरेटेड। तो मुझे लगा कि 23 लाख बच्चे हैं, हो सकता है कि ट्रैफिक लगा हो साइट पर, इसलिए मेरा रिज़ल्ट नहीं जनरेट हो रहा है। लेकिन उसके एक घंटे बाद मेरे पास NTA की तरफ से ईमेल आता है कि योर रिज़ल्ट कैन नॉट बी जनरेटेड, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट जनरेट नहीं हो सकता क्योंकि उनको मेरी OMR टॉर्न और डैमेज्ड मिली है। इतना सुनने के बाद में मैं और मेरी फैमिली पूरा शॉक में चले गए। लेकिन मेरी मम्मी, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया और मुझे डिप्रेशन में नहीं जाने दिया, क्योंकि इतना देखने के बाद कोई भी बच्चा अपना आपा खो देता है, उसको समझ में नहीं आता है कि उसको क्या करना है। सेम वैसा ही मेरे साथ हुआ। उन्होंने मुझे संभाला और तुरंत हम लोगों ने इस पर एक्शन लेने का सोचा। रात में मेरे मामा हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, रात में ही हम उनके घर गए और वहाँ से हमने NTA को उन्हीं के मेल पे दोबारा रिप्लाई मेल भेजा और हमने एक फैक्स फाइल करा कि अगर बच्चे का OMR फटा है तो आप उसको प्लीज़ फटा हुआ OMR ही उसको, कम से कम उसका OMR तो दिखाया जाए। तो ये तो हमारा सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया और मुझे 24 आवर्स के अंदर मेरा OMR मुझे मिल गया, जो कि बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में था। इस तरीके से NTA ने मेरे मेल पे ये मेरा OMR भेजा बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में। इसको बारकोड को उन्होंने फाड़, बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे जानबूझ के फाड़ा हुआ हो। ये फटा हुआ OMR मेरे स्क्रीन पे आया और ये मेल भेजा था जिससे पता चल रहा है, ये मेल आया था मेरे पास में। इसमें सारे बबल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारे बबल्स क्लियरली विजिबल हैं। अगर आप इस क्लियरली विजिबल हैं सारे बबल्स, एक एक बबल विजिबल है। इसको जब हमने मैनुअली चेक किया तो हमको पता चला कि 715 ही आ रहा है। मेरा नीट का स्कोर भी यही था जो मैंने NTA की फ़ाइनल आंसर की से चेक किया था। मैंने किसी क्वेश्चन पे कोई चैलेंज नहीं किया, यही मेरा फाइनल स्कोर था। बबल दिखाई दे रहा है, एक एक साफ साफ पूरा बबल, इसको कोई भी चेक कर सकता है। तो नेक्स्ट डे इस चीज़ पे तुरंत एक्शन लेने के लिए हाई कोर्ट में हमने पिटीशन फाइल कर दी। ये पिटीशन के पेपर्स हैं। इसको तुरंत फाइल करने के बाद में अब ट्यूसडे को इसकी हियरिंग है। तो जो भी मुझे सुन रहा हो, मेरी न्यूज़ जो देख रहा हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जैसे सब बच्चे पढ़ते हैं, ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था और मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट में 535 मार्क्स आए थे, उसके बाद 570 मार्क्स आए और अब मेरे इतने मार्क्स आ रहे थे। तो मैं अपनी पूरी मेहनत लगाई, मैंने 3 साल पूरी मेहनत करी है और मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी लखनऊ की बेटी का सपोर्ट करें और मुझे प्लीज़ इसमें जस्टिस दिलाएं। क्योंकि अगर अब मेरे साथ या मैं डिप्रेशन में गई तो मेरा नीट और पढ़ाई से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि मैंने पूरे साल इतनी मेहनत करी, ना मैं सोई। अब आप देखिए बच्चों, किस तरीके से एक बच्चे के साथ NTA करती है और तमाम ऐसी घटनाएं पूरे एक क्रॉस इंडिया हो रही हैं। इंडिया में जितने भी बच्चे इस नीट में पार्टिसिपेट करते हैं और कुल मिलाकर देखा जाए तो हर एक बच्चा कहीं ना कहीं आज की डेट में NTA के चलते सफर कर रहा है। NTA जिस तरीके से खामोश बैठी हुई है, तो मुझे यही कहने में लगता है कि ऐसे बच्चों को अगर जस्टिस नहीं मिलेगा तो कब बच्चों को जस्टिस मिलेगा। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सो कॉल्ड मिस्टर सुबोध कुमार हैं, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके से उनका स्टेटमेंट था, कहीं से भी वो फेयर नहीं लग रहा था। जो बातें वो बताना चाह रहे थे, उस बातों में कहीं भी ये कहीं झलक नहीं रही है बात कि उनकी जो ट्रांसपेरेंसी है, जो ऑथेंटिसिटी है उनकी बातों की, या फिर जिस मेथड से उन्होंने ग्रेस मार्क दिया है बच्चों को, उसमें कहीं से भी वो चीजों को बता ही नहीं पा रहे हैं। एक छोटी बच्ची जिसने थर्ड अटेम्प्ट में उनके 700
मम्मी इतने तुमने नंबर्स आ मुझे रहे हैं, बहुत इतने सपोर्ट किया नंबर्स पर को मुझे स्कोर डिप्रेशन करने में के नहीं लिए लेकर कितनी आए। मेहनत करनी होती क्योंकि है, इतना देर के लेकिन बाद कौन मेरे एनटीए की बच्चे देखिए का कितनी आज लापरवाही पढ़ेगा, है। उसको समझ अगर नहीं आता ए कि उसको बच्चे क्या के करना है। गलती सेम से मैसेज अगर मेरे उसका साथ हुआ ओएमआर था, सीट में कुछ उन्होंने मुझे प्रॉब्लम हुई समझाया होती और तो क्यों आपको हमने पता है उस पर कि एक्शन नहीं लिया। सो एग्जामिनेशन दैट हॉल में ही लास्ट उस ओएमआर ईयर सीट्स मेरे को वो मामा एक्सेप्ट हाई नहीं कोर्ट में करती, एडवोकेट हैं, लेकिन उन्होंने ओएमआर बाद सीट में हमने एक्सेप्ट उनको किया भी है, दिया यानी कि और वो वहां सही से हमने सलामत एनटीए कंडीशन को में भेजा। था। और अब उन्होंने जाकर एनटीए जब को मैंने रिजल्ट आने की बताया, बात मेल होती है भेजा तो वहां पर और ये मेरे बात साथ उठती है फाइल कि आपका ओएमआर करी सीट कि टॉर्न अगर है, बच्चे का मतलब ओएमआर फटा सीट हुआ है है, या तो फिर आप वो उसको रिजल्ट भेज भी सकते डिक्लेयर हो नहीं ओएमआर करते की हैं। ठीक है, कि थैंक्स मुझे गॉड कि उसका उन्होंने ओएमआर को दिखाया मेल था। किया, तो नोटिस मुझे भेजा, हमारा एनटीए ने सक्सेसफुल रिप्लाई रजिस्टर किया, मिला और और उनको मुझे कम से कम 24 उनके आवर्स के पास एक अंदर एविडेंस, ओएमआर मुझे एक मिल प्रूफ गया आ गया कि कि हाँ बिल्कुल टॉर्न सही नहीं है सलामत ओएमआर। नहीं फटी इस हुई तरीके है से ओएमआर, एनटीए ने लेकिन मुझे एनटीए भेज के दिया, पास है। ये मेरा अब बर्न देखिए है क्या जो होता है, बिल्कुल आप ये बॉन्ड पूरी अच्छे बात से एक बन बार पाता आप हूँ। फिर तुम से मुझे प्यार समझेंगे, दे रहे हो, सुनेंगे बिल्कुल तो अच्छाई आपको दे बात रहे समझ में हो। आएगी मेरा कि नाम इस अंजलि बच्ची के पटेल साथ है, क्या मैं घटना घटी लखनऊ है। यूपी से रहने वाली हूँ, बुद्धेश्वर पिंक सिटी मुहान रोड। मैंने इस बार का नीट 2024 में एग्ज़ाम दिया था और मेरे साथ इस बार बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। ये मेरा एडमिट कार्ड है। नीट का रिज़ल्ट जिस दिन आया 4 जून को, उस दिन मेरा रिज़ल्ट नहीं खुल रहा था। मेरे बार बार स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था कि योर रिज़ल्ट इज़ नॉट जनरेटेड। तो मुझे लगा कि 23 लाख बच्चे हैं, हो सकता है कि ट्रैफिक लगा हो साइट पर, इसलिए मेरा रिज़ल्ट नहीं जनरेट हो रहा है। लेकिन उसके 1 घंटे बाद मेरे पास एनटीए की तरफ से ईमेल आता है कि योर रिज़ल्ट कैन नॉट बी जनरेटेड, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट जनरेट नहीं हो सकता क्योंकि उनको मेरी ओएमआर टॉर्न और डैमेज्ड मिली है। इतना सुनने के बाद में मैं और मेरी फैमिली पूरा शॉक में चले गए। लेकिन मेरी मम्मी, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया और मुझे डिप्रेशन में नहीं जाने दिया, क्योंकि इतना देखने के बाद कोई भी बच्चा अपना आपा खो देता है, उसको समझ में नहीं आता है कि उसको क्या करना है। सेम वैसे ही मेरे साथ हुआ। उन्होंने मुझे संभाला और तुरंत हम लोगों ने इस पर एक्शन लेने का सोचा। रात में मेरे मामा हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, रात में ही हम उनके घर गए और वहाँ से हमने एनटीए को उन्हीं के मेल पे दोबारा रिप्लाई मेल भेजा और हमने एक फैक्स फाइल करा कि अगर बच्चे का ओएमआर फटा है तो आप उसको प्लीज़ फटा हुआ ओएमआर ही, उसको कम से कम उसका ओएमआर तो दिखाया जाए। तो ये तो हमारा सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया और मुझे 24 आवर्स के अंदर मेरा ओएमआर मुझे मिल गया, जो कि बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में था। इस तरीके से एनटीए ने मेरे मेल पे ये मेरा ओएमआर भेजा बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में। इसको बारकोड को उन्होंने बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे जानबूझ के फाड़ा हुआ हो। ये फटा हुआ ओएमआर मेरे स्क्रीन पे आया और ये मेल भेजा था जिससे पता चल रहा है, ये मेल आया था मेरे पास में। इसमें सारे बबल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारे बबल्स क्लियरली विजिबल हैं। अगर आप इस क्लियरली विजिबल हैं सारे बबल्स, एक एक बबल विजिबल है। इसको जब हमने मैनुअली चेक किया तो हमको पता चला कि 715 ही आ रहा है। मेरा नीट का स्कोर भी यही था जो मैंने एनटीए की फ़ाइनल आंसर की से चेक किया था। मैंने किसी क्वेश्चन पे कोई चैलेंज नहीं किया, यही मेरा फाइनल स्कोर था। बबल बबल दिखाई दे रहा है, एक एक साफ साफ पूरा बबल, इसको कोई भी चेक कर सकता है। तो नेक्स्ट डे इस चीज़ पे तुरंत एक्शन लेने के लिए हाई कोर्ट में हमने पिटीशन फाइल कर दी। ये पिटीशन के पेपर्स हैं। उसको तुरंत फाइल करने के बाद में अब ट्यूसडे को इसकी हियरिंग है। तो जो भी मुझे सुन रहा हो, मेरी न्यूज़ जो देख रहा हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जैसे सब बच्चे पढ़ते हैं, ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था और मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट में 535 मार्क्स आए थे, उसके बाद 570 मार्क्स आए और अब मेरे इतने मार्क्स आ रहे थे। तो मैं इतनी पूरी मेहनत लगाई, मैंने 3 साल पूरी मेहनत करी है और मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी लखनऊ की बेटी का सपोर्ट करें और मुझे प्लीज़ इसमें जस्टिस दिलाएं। क्योंकि अगर अब मेरे साथ या मैं डिप्रेशन में गई तो मेरा नीट और पढ़ाई से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि मैंने पूरे साल इतनी मेहनत करी, ना मैं सोई अच्छे से, ना मैंने खाया, मैं अपनी कोचिंग में रही और मैं सिर्फ पढ़ी हूँ। मैंने किताबें, मतलब एकदम, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरी फीलिंग्स को समझें। मेरे सारे, मेरे पास जितने प्रूफ्स हैं और जो एनटीए से मेल आया है, मुझे सपोर्ट करें और जस्टिस दिलाएं कि मेरा पेपर दोबारा से चेक हो, जो ए मेल पे मेरा पेपर आया है वो चेक किया जाए और मेरा भी रैंक में नाम आए जैसे सबका आया है, क्योंकि मेरा रिजल्ट ही नहीं दिया गया मुझे। आई होप फॉर द बेस्ट और मैं आपसे सपोर्ट चाहती हूँ सर, थैंक यू। मेरा नाम आयुषी पटेल है और मैं लखनऊ यूपी से रहने वाली हूँ, बुद्धेश्वर पिंक सिटी मुहान रोड। मैंने इस बार का नीट 2024 में एग्ज़ाम दिया था
और मेरे साथ इस बार बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। ये मेरा एडमिट कार्ड है। नीट का रिज़ल्ट जिस दिन आया 4 जून को, उस दिन मेरा रिज़ल्ट नहीं खुल रहा था। मेरे बार बार स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था कि योर रिज़ल्ट इज़ नॉट जनरेटेड। तो मुझे लगा कि 23 लाख बच्चे हैं, हो सकता है कि ट्रैफिक लगा हो साइट पर, इसलिए मेरा रिज़ल्ट नहीं जनरेट हो रहा है। लेकिन उसके 1 घंटे बाद मेरे पास NTA की तरफ से ईमेल आता है कि योर रिज़ल्ट कैन नॉट बी जनरेटेड, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट जनरेट नहीं हो सकता क्योंकि उनको मेरी OMR टॉर्न और डैमेज्ड मिली है। इतना सुनने के बाद में मैं और मेरी फैमिली पूरा शॉक में चले गए। लेकिन मेरी मम्मी, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया और मुझे डिप्रेशन में नहीं जाने दिया, क्योंकि इतना देखने के बाद कोई भी बच्चा अपना आपा खो देता है, उसको समझ में नहीं आता है कि उसको क्या करना है। सेम वैसे ही मेरे साथ हुआ। उन्होंने मुझे संभाला और तुरंत हम लोगों ने इस पर एक्शन लेने का सोचा। रात में मेरे मामा हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, रात में ही हम उनके घर गए और वहाँ से हमने NTA को उन्हीं के मेल पे दोबारा रिप्लाई मेल भेजा और हमने एक फैक्स फाइल करा कि अगर बच्चे का OMR फटा है तो आप उसको प्लीज़ फटा हुआ OMR ही उसको, कम से कम उसका OMR तो दिखाया जाए। तो ये तो हमारा सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया और मुझे 24 आवर्स के अंदर मेरा OMR मुझे मिल गया, जो कि बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में था। इस तरीके से NTA ने मेरे मेल पर ये मेरा OMR भेजा, बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में। इसको बार कोड को उन्होंने बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे जानबूझ के फाड़ा हुआ हो। ये फटा हुआ OMR मेरे स्क्रीन पे आया और ये मेल भेजा था, जिससे पता चल रहा है ये मेल आया था मेरे पास में। इसमें सारे बबल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारे बबल्स क्लियरली विजिबल हैं। अगर आप इस क्लियरली विजिबल हैं सारे बबल्स, एक एक बबल विजिबल है। इसको जब हमने मैनुअली चेक किया तो हमको पता चला कि 715 ही आ रहा है। मेरा नीट का स्कोर भी यही था जो मैंने NTA की फ़ाइनल आंसर की से चेक किया था। मैंने किसी क्वेश्चन पे कोई चैलेंज नहीं किया, यही मेरा फाइनल स्कोर था। बबल बबल दिखाई दे रहा है, एक एक साफ साफ पूरा बबल, इसको कोई भी चेक कर सकता है। तो नेक्स्ट डे इस चीज़ पे तुरंत एक्शन लेने के लिए हाईकोर्ट में हमने पिटीशन फाइल कर दी। ये पिटीशन के पेपर्स हैं। उसको तुरंत फाइल करने के बाद में अब ट्यूसडे को इसकी हियरिंग है। तो जो भी मुझे सुन रहा हो, मेरी न्यूज़ जो देख रहा हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जैसे सब बच्चे पढ़ते हैं, ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था और मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट में 535 मार्क्स आए थे, उसके बाद 570 मार्क्स आए और अब मेरे इतने मार्क्स आ रहे थे। तो मैं इतनी पूरी मेहनत लगाई, मैंने 3 साल पूरी मेहनत करी है और मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी लखनऊ की बेटी का सपोर्ट करें और मुझे प्लीज़ इसमें जस्टिस दिलाएं। क्योंकि अगर अब मेरे साथ देखिए, इस बच्ची के साथ जो घटना घटी है, आप समझ सकते हैं कि NTA इस तरीके से ये खामोश रहती है। NTA कभी भी नॉर्मल कंडीशंस में रिप्लाई करती ही नहीं है आपको। जब तक इनसे आप पूछेंगे नहीं, 10 सवाल नहीं करेंगे, इन्हें बहुत जगह पे सोशल मीडिया पे या इनको कोर्ट के अलावा इन्हें और कोई बात समझ में नहीं आती है। ये शिवराज, आप जो बता रहे हैं मथन जी, आपके बच्चों के OMRs में जो नंबर्स थे और जो नंबर्स आए हैं, ये देखिए, ये तमाम NTA के साथ प्रॉब्लम्स हैं, हर साल ये होता है। लेकिन इस बार जो सिचुएशन थोड़ी ज्यादा ही खराब हो चुकी है, क्योंकि रैंकिंग सिस्टम को लेके भी इश्यूज आए हैं और यहाँ पर जो कहानी अभी चल रही है वो ये कि बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है बिना लॉजिक के, उसके पीछे वो बात भी नहीं समझाई जा रही है। तो ये कल का ही प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन लें, सुबोध कुमार जी ने जो स्टेटमेंट दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, वो बात अगर आपको थोड़ी सी भी अगर समझ में आती है तो मैं कहता हूं कि आपको ऐसा फील होगा कि सुबोध कुमार जी की बातों में कोई दम नहीं है, वो बिना इलॉजिकल बात कर रहे हैं, उनकी बातों में कोई दम नहीं है। आप समझिए उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो क्या बोल रहे हैं। बेसिस पे एक बार फिर से उसको जो है पूरा एग्जामिन करेगी। थैंक यू। तो क्या रिजल्ट फिर से डिक्लेयर करेंगे री एग्जाम करके? देखो, इशू जो है केवल 1600 लोगों का है। ये 23 लाख जो बच्चे अपीयर हुए थे, 24 लाख में से 23 लाख बच्चे जो कुछ अपीयर हुए थे, इसमें से केवल 1600 बच्चों का इशू है। 4750 सेंटर के बजाय ये 6 सेंटर का इशू है। तो हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं और इसको हमारी कमेटी एग्जामिन करेगी और उसके ऊपर जो रिकमेंडेशंस आएंगी उसके ऊपर फिर हम निर्णय लेंगे।
जस्ट अ मिनट, वन बाय वन प्लीज, आप अपना सवाल लें, नाम बताएं। आपने सुना किस तरीके से ये एलैबोरेट ऑन द मैंडेट ऑफ दिस कमिटी जो बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि जस्ट ये 1600 बच्चों के चलते और अब ये एग्जामिन कर रहे हैं, इसके बाद ये सारी चीजों को बताएंगे। पता नहीं एनटीए क्यों इतनी खामोश बैठी है, लाखों बच्चों के कैरियर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपने एक छोटी बच्ची की बात सुनी ही कि उनके साथ एनटीए ने क्या किया है। भाई ऐसे कंडीशंस में एनटीए कैसे बच्चों के कैरियर के साथ खिलवाड़ कर रही है, ये सोचने वाली बात है। और इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए क्योंकि इस बच्ची को भी जस्टिस मिले। वो नहीं है, ठीक है, हाई कोर्ट में इन्होंने पिटीशन डाला है, हाई कोर्ट से इनको कुछ न्याय मिल जाता है, लेकिन ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी रीच इतनी लेवल पर है कि वो छोटी सी बात के लिए या फिर वो हाई कोर्ट में जाएं और उनका कोई रिलेटिव हो। और ये तो लकली इनके रिलेटिव है कि हाई कोर्ट में जो कि वहां से मेल ड्राफ्टिंग होती है या फिर उन्होंने पिटीशन फाइल करके अब ये वहां से एनटीए से जवाब लेंगे। लेकिन तमाम ऐसे पेरेंट्स और बच्चे हैं जिनके पास इस तरह की सुविधा बहुत मुश्किल से मिल पाती है। तो देखिए एनटीए अगर फेयर होती तो इतनी घटनाएं ना घटती। मैं तो यही कह सकता हूँ कि एनटीए की पूरी जो वर्किंग स्टाइल है वो परफेक्ट नहीं है। आपकी क्या राय है मुझे जरा कमेंट करके बताइए। इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को थोड़ा वायरल करना होगा क्योंकि मैक्सिमम इस बच्चे की आवाज जाए। और आप लोगों के साथ भी अगर कोई किस तरह की परेशानी है तो आप मुझे टेक्स्ट कीजिए, आप अपनी परेशानी शेयर कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको अपने प्लेटफॉर्म पर मौका दूं और आपकी आवाज लोगों तक पहुंचे। थैंक यू।